हेलो गाइस, मैं हिमांशु यादव। कैसे हो भाई? आई होप सब अच्छे हो गए, अपने घरों में सेफ हो गए और अपना ध्यान रखे हो गए। तो भाई आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में, जो आप देख ही सकते हो आगे कौन सी गाड़ी खड़ी है, अर्टिगा। ये गाड़ी भाई कॉम्पिटिट करती है टोयोटा की नोवा को, और अपनी उसी से ही करती है ज़्यादा, क्योंकि वही एक ऐसी MUV आती है इसके बाद जो थोड़े हायर रेट्स में चली जाती है। इसका रेट थोड़ा कम है इसलिए लोग इसे ले लेते हैं, और इनोवा के साथ साथ इस पर भी 6-6 महीने की वेटिंग रहती है। इनोवा पे थोड़ी सी और ज़्यादा मिल जाएगी, पर इस पर 6 महीने की वेटिंग रहती है, पता कर ली थी हमने। सिल्वर कलर आज हम इसका देख रहे हैं। तो ये डेल्टा मॉडल है, बेस से एक ऊपर वाला वो वाला वेरियंट है। फ्रंट से थोड़ी सी मॉडिफाइड है, ऊपर ये DRLC लगा रखी है। ये देखो इसके इंडिकेटर्स मॉडिफाइड हैं, ये मैट्रिक्स वाले हैं, अपने चलते रहते हैं। और लाइट अपग्रेड नहीं है, लाइट इसकी हेलोजन ही है। नीचे में फॉग लैंप लगवा रखा है जो कि LED है, पर इसका ज़्यादा थ्रो नहीं रहता, ये बस लुक्स के लिए सही है। बाकी तो अपनी हेडलाइट के भरोसे ही चलती है, इससे कोई फ़ायदा वायदा नहीं रहता। ग्रिल यहाँ पे क्रोम की मिल जाएगी पूरी, सिल्वर कलर पे काफ़ी अच्छी लगती है। और हेडलाइट में भी क्रोम मिल जाएगा आपको अंदर की तरफ, एक प्रोजेक्टर, एक अपनी नॉर्मल लाइट है, और सारी की सारी हेलोजन है। यहाँ पे देखोगे तो इसके 15 इंच के टायर्स हैं। साइज़ बता देता हूँ मैं आपको एक बार, रेडियल टायर्स हैं, 185/65 R15 15 इंच के टायर हैं। ORVM आपको अंदर से एडजस्टेबल मिल जाएंगे, ORVM पे भी इंडिकेटर आपको अवेलेबल होगा। विंडशील्ड काफ़ी बड़ी है इसकी, फ्रंट से यही है, ग्रिल्स काफ़ी अच्छी लगती हैं इसकी। अब अर्टिगा फेसलिफ्ट आ चुका है, उसकी ग्रिल्स काफ़ी अच्छी हैं। और भी बूट चेक कर लेते हैं एक बार। CNG कार है, पेट्रोल प्लस CNG, तो ये हाइब्रिड वाला वेरियंट नहीं है। इसको करते हैं ओपन, ये देखो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है जो कि प्रैक्टिकली टेस्टेड है बाय मी। तो ये इसकी यहाँ पे CNG दिख जाएगी आपको, और ये पीछे की सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं, जो कि इतनी मतलब लॉन्ग ट्रिप्स के लिए तो कंफर्टेबल नहीं है, बच्चे वगैरह ही बैठ सकते हैं, छोटे जो मतलब काफ़ी छोटे हों, 5-6 साल या और थोड़े से चल जाएंगे, या जिन्हें पीछे बैठने में मज़ा आता हो वो बैठ जाएंगे। पीछे से काफ़ी अच्छी लगती है, अब वाली अर्टिगा और अच्छी लगती है क्योंकि उसकी लाइट हल्की सी स्मोक सी कर दी। तो ये देखो एक बार इसकी लाइट चेक करो, DL रजिस्टर्ड गाड़ी है एक फ्रेंड की। कैमरा इसमें आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, सेंसर्स कार में आ जाते हैं पहले से ही, कोई भी डिफॉग लैम्प नहीं है यहाँ पे। एक बार रेयर सीट्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर। लेंथ काफ़ी ज़्यादा है इसकी, ये देखो लेंथ कितनी है इसकी, बहुत लंबी है मतलब ये। और पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है इसका, पूरी 5000 RPM तक टच करती है, सिंगल टिप एग्जॉस्ट है। अब चलते हैं एक बार गाड़ी की रियर सीट्स में। तो भाई ये देखो, ये सीट जो है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है आगे वाली, जिसमें मेरा अभी छोटा भाई बैठा हुआ है। तो मतलब पीछे तो है कंफर्ट इस कार में अच्छा, इसको भी मैं अपनी तरह एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसा मैं चाहूँ तो ये हो जाएगी। अभी मैं पूरा कंफर्टेबली बैठा हूँ यहाँ पे, पूरा लेग रूम लेके और अपनी सीट रिक्लाइन करके। ये देखो बीच में एक आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, चारों पावर विंडो आती हैं कार में। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज, बॉटल होल्डर वगैरह सब है, 4 स्पीकर्स हैं, और ये जो अपना हेड यूनिट है ये अपग्रेड है इसमें। पीछे भी आपको देखो 4 AC vents मिल जाते हैं जो कि यहाँ से एडजस्टेबल हैं, मतलब इनको आप यहाँ से 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हो, 1 पे सही है। विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं इसकी, देखो अच्छा व्यू मिलता है, और पीछे की भी काफ़ी अच्छी विंडो है। स्पेस थोड़ा सा कम है बस पीछे वाली रो में, ये देखो, क्योंकि अभी ये वाली सीट भी रिक्लाइन हुई पड़ी है पूरी। रिक्लाइनर के बाद अगर हम बात करें तो इसकी पावर विंडोज़ ऑटो नहीं है, ऑटो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलती है। लॉक अनलॉक आपका आगे से हो जाते हैं। यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट मैट्स कार में डले हुए हैं, और एटमॉस्फेयर लाइट आफ्टर मार्केट। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में। ये डोर देख लो आप कितना बड़ा है इसका, एक बार बोनट और खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये है इसका 1500 cc का के इंजन, के सीरीज, जो मारुति टिपिकल हर कार्स में देती है, बड़ी छोटी सब में ये 1500 cc वाला के सीरीज का इंजन आता है, जिसमें CNG फिट है कंपनी से ही, जो कि अभी काफ़ी हीट फेंक रहा है।
करते हैं बंद, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ऐसा कुछ मिल जाता है भाई आपको इसका इंटीरियर फ्रंट से। गाड़ी देखो, अगर जिसको थोड़े से लुक्स चाहिए वो जा सकता है अपनी मारुति XL6 की तरफ, जो कि थोड़े से प्राइस में ज्यादा है, पर वो 6 सीटर आती है। ये उसमें कमी है एक, ये प्रॉपर अपनी 7 सीटर है। यहाँ पे इसकी हेड यूनिट देख लो आप अपनी, ये वो वाला है एंड्रॉयड वाला, इसमें नेविगेट वगैरह सब कुछ चलता है। यहाँ पे स्पीड भी आती है डिजिटली। स्टीयरिंग काफी सॉफ्ट है इसका, बहुत अच्छा स्टीयरिंग है। और RPM जो अपनी पुश करें वो जाती है पूरी 5000 तक, उसके ऊपर भी नहीं जाएगी क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है, CNG पे चल रही है। विंडशील्ड काफी बड़ी है, वाइपर्स भी काफी बड़े हैं। ये देखो प्रॉपर साफ कर देते हैं पूरा का पूरा। डैशबोर्ड में देखें तो डैशबोर्ड बहुत छोटा है, जिसमें काफी सारा सामान रखा हुआ है। इस सीट को पीछे करें थोड़ा सा तो देखो, ये देखो ये लाइट यहाँ पे हेलोजन मिलती है, ऑफ करते हैं। ये यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए है पीछे की। डैशबोर्ड यहाँ से भी काफी बड़ा दिख जाता है, लंबा, मतलब ऐसे करके थोड़ा सा यू है। ये इनोवा में इससे थोड़ा ज्यादा सा ऐसे हो जाता है कर्व। ये देखो ड्राइवर साइड ऑटो है, अपने आप अप डाउन। विंडोज आपकी इलेक्ट्रिकली वो है, साइड मिरर्स हैं, एडजस्टेबल हैं। ये देखो करके दिखाता हूँ, क्लोज भी हो जाएंगे सेम उधर। ये आपको यहाँ पे डे एंड नाइट वाला मिलता है। और AC की स्पीड 4 तक। यहाँ पे डबल इंडिकेटर, पार्क लैंप्स, अपने वाइपर के कंट्रोल, हाई लो मिस्ट वगैरह। यहाँ पे आपको कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं मिलता, आपको मैन्युअली ही यूज करना पड़ता है इसे। AC यहाँ पे आपको लॉक का भी मिल सकता है कि आपको मतलब लॉक करना है नहीं, यहाँ पे आपको मिलता है इसका मेन फीचर CNG टू पेट्रोल करने का। अब ये CNG पे है तो हम इसे CNG पे ही चलाएंगे। और नीचे की तरफ यहाँ पे एटमॉस्फेयर लाइट दिख रही है, वहाँ पे बॉटल्स देख लो रखी हुई हैं, जो कि स्पेस काफी अच्छा है इसमें। और सबसे बढ़िया बात इसकी एवरेज, अभी तो ये मैंने 0 करी थी इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा, वरना इसकी एवरेज है भाई बहुत अच्छी एवरेज है, बहुत प्यारी CNG में। और पेट्रोल में भी इसकी काफी अच्छी है, जो हाइब्रिड अर्टिगा है उसकी एवरेज बहुत अच्छी है। तो चलो यहाँ पे आपको 8000 तक मार्किंग मिल जाएगी, जो कि पेट्रोल गाड़ी में ही होती है। सिर्फ 220 तक मीटर मिल जाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाएगा, CNG और पेट्रोल की अलग अलग मार्किंग दिख जाएगी, हैंड ब्रेक का साइन दिख जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की, ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर लाइट का कंट्रोल, ऑक्स USB, यहाँ पे फोन रखने के लिए जगह है। और सबसे बढ़िया ये देखो कूल्ड, मतलब यहाँ पे आप अपनी बोतल वगैरह या जो भी रखोगे वो यहाँ ठंडा रहने वाला है उसको, मतलब ज्यादा ठंडा नहीं पर गर्म भी नहीं होगा, पीने लायक रहेगा। तो भाई चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच आगे की इसकी ड्राइविंग वगैरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलो अपना ध्यान रखो, थैंक यू सो मच।